नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे इस रूटावेटर के बारे में, क्या कुछ इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है, क्या काम करता है, वो सब इस वीडियो के अंदर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले शक्तिमान कंपनी का 8 फीटा ये रूटावेटर है। आगे बढ़ने से पहले इसकी कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शक्तिमान जो कंपनी है, इसकी शुरुआत 1997 के अंदर हुई थी और अब ये जो है लगभग 70 देशों के अंदर जो है अपने जो रोटेटरी टिलर जो होते हैं इनको जो है आप यहाँ से मैन्युफैक्चर करके इंडिया से भेजती है। इनका प्लांट जो है अभी गुजरात के अंदर है। तीर्थ एग्रो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो है दुनिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनके पास, जो कि रोटावेटर मान लीजिए या रोटेटरी टिलर जो होते हैं, घूमने वाले जो भी इम्प्लीमेंट होते हैं खेती में काम में आते हैं वो बनाती है। तो आज इस रूटावेटर के बारे में बात करेंगे। ये जो रूटावेटर है, साथ में तो ये रूटावेटर का काम करता ही है, इसके अलावा जो इसके ऊपर एक टापा लगा है जो कि बिजाई का काम करता है, यानी कि गेहूं वगैरह जो हम इससे आगे छींटा लगा के बीज सकते हैं। गियर बॉक्स की बात करें तो काफ़ी हैवी ड्यूटी गियर बॉक्स मिलता है और इसकी ग्रारियाँ कौन सी होनी चाहिए उनका सिलेक्शन यहाँ से RPM वगैरह देख के हम जो है कर सकते हैं। इसके गियर बॉक्स के बारे में बोलते हैं, अगर इसको 16 फीटा रूटावेटर पे चलाएं तो भी ये गेयर बॉक्स जो है हार नहीं मानेगा, इतना मजबूत इसका गेयर बॉक्स होता है। कुछ इस प्रकार का अपना रूटावेटर है। आगे जो है पाइपें लगी हैं जिनके थ्रू जो है यहाँ पर इसकी कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारियाँ हैं जो आप देख सकते हैं। तीर्थ एग्रो प्राइवेट लिमिटेड जो है कंपनी है, राजकोट गुजरात से मैन्युफैक्चर है। टापे के अंदर आपको दिखाते हैं किस प्रकार से होते हैं। इसके लॉक खोल लेते हैं सबसे पहले। इसके अंदर जो है अपने को डबल टापा मिल जाता है। आगे वाले के अंदर जो है हम DAP वगैरह जो है डाल सकते हैं और पीछे जो दिया है इसके अंदर गेहूं वगैरह जो भी अपने को बीजना वो डाल सकते हैं, गेहूं जो वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। पिस्तौल वाला इसके अंदर सिस्टम है, जो भी बीज आगे गिरने का जो सिस्टम है वो पिस्तौलें लगी होती है। ये DAP का हो गया और ये जो है अपना गेहूं वगैरह डालने के लिए हो गया। यहाँ पर ये जो है इसकी चक्री लगी है जिसको जो है उस साइड लॉक होता है उसको खोल के नीचे रख देते हैं। अभी इसको आगे आपको चला के भी दिखाएंगे। अपने फार्म ट्रक 60 सुपरमैक्स पे ये अभी चल रहा है। ये यहाँ पर इसको बीज वगैरह एडजस्ट करने के लिए इस लॉक को निकाल के और इसे घुमा के जो है हम बीज को एडजस्ट कर सकते हैं। ये DAP को सेट करने के लिए आगे की तरफ दे रखा है, इसे घुमा के हम DAP वगैरह कितनी डालनी है वो सेट कर सकते हैं और बाद में लॉक लगा देंगे ताकि ये अपने आप हिले नहीं। ये यहाँ पर इसके नीचे जो है ऑयल डालने के लिए और बाकी इसके ऊपर वार्निंग वगैरह लिखी हुई है रूटावेटर का कैसे ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर इसके अंदर CL जो है डलता है, शाफ्ट आ गई जो मेन शाफ्ट है नीचे की। इस तरफ जो है इसका गेयर बॉक्स आ गया, जो कि 3 इसके अंदर गेयर लगे होते हैं और ये अपनी चक्री का सिस्टम आपको दिखाई दिया किस प्रकार से है। इसके अंदर सेमी चैम्पियन मॉडल है ये शक्तिमान का, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा सेमी चैम्पियन। और जो रूटावेटर है ये तो अपने शक्तिमान कंपनी का है और इसके ऊपर जो ये टापा लगा है ये जो है दूसरी कंपनी का, पहले कंपनी साथ में देती थी, अब जो है कंपनी ये साथ में नहीं देती है तो ये जो है दूसरी कंपनी का है। तो अभी अपने 60 सुपरमैक्स के इसको जोड़ते हैं और आपको चला के दिखाते हैं किस प्रकार से ये जो है चलता है। ये देखिए इसके अंदर जो है 56 ब्लेड का ये रूटावेटर है। साइड के अंदर जो है दो दो ब्लेड दोनों तरफ कम है, आप चाहें तो वो लगा भी सकते हैं और ना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर जो है अपनी 56 ब्लेडें लगी हुई है, इस प्रकार से इसमें ब्लेडें लगी हैं। इसकी एक खास बात यह भी है, इसके अंदर जो है सारी मैकेनिकल सील होती है, कोई भी रबर वगैरह की सील नहीं होती, तो कोई भी घिसने कटने का डर नहीं होता। ये इसकी PTO शाफ्ट है, लगभग 15,000 रुपये की अकेली इसकी PTO शाफ्ट शाफ्ट है। ये यहाँ पर सेफ्टी नट है इसका, जिसको शेयर बोल्ट भी बोलते हैं, ज़्यादा लोड पड़ने पर टूट जाता है। दोनों तरफ जो है 6-6 GD का ये PTO है और ये इसके लॉक वगैरह दे रखे हैं यहाँ पर, जिनको दबा के आप जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये भी काफ़ी हेवी ड्यूटी होती है, 15,000 रुपये इसके जो है प्राइस है, तो आप देख सकते हो कितनी हेवी ड्यूटी होती होगी और कोई दिक्कत भी नहीं आती इसके अंदर। बाकी इसका ये हैंडल वगैरह सेट करने के लिए, बीज वगैरह सेट करने के लिए ये हैंडल जो है इसके अंदर दिया होता है, इस प्रकार से लगा के और इसको घुमा सकते हैं आसानी से। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं भी पड़ती, अगर आपको थोड़ा आसान हो जाता है हैंडल वगैरह दे रखा है उससे, तो इस प्रकार से इससे जो है सेट हो जाएगा बीज वगैरह जो भी आपको डालना है। चलिए अभी इसको जोड़ते हैं
ट्रैक्टर के पीछे सबसे पहले रूटावेटर की साइड का पीटीओ जो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके अंदर जो शेयर बोल्ट दिया होता है वो इस हिसाब से सेट किया होता है, अगर ज़्यादा लोड पड़े तो रूटावेटर के गेयरबॉक्स पे या ट्रैक्टर के गेयरबॉक्स पे कोई असर ना आए, ये बोल्ट टूट जाता है। इसे इस हिसाब से डिज़ाइन किया होता है, ये बोल्ट जो है बीच में से कट जाता है। इस साइड पीटीओ सेट कर दिया और अभी इसको जोड़ते हैं ट्रैक्टर के। लॉक वगैरह एकदम अच्छे तरीके से हमने लगाए हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। शक्तिमान कंपनी का 8 फीटा रूटावेटर है ये, आप इस बात का ध्यान रखें ये जो है 8 फुटा है और इसके ऊपर जो है बिजाई वाला टापा लगा है। अपने इस रूटावेटर के अंदर जो है ए और बी गरारियां आपको बता देते हैं। छोटी गरारी है 16 नंबर की और बड़ी जो गरारी है बी के ऊपर वो है 19 नंबर की। और फार्म ट्रैक के कोई सा भी ट्रैक्टर हो यही गरारियां 8 फीटा रूटावेटर के लिए बेस्ट रहती है, इसमें चक्कर वगैरह बिल्कुल सही मिलते हैं। बाकी आप परफॉर्मेंस देखिए रूटावेटर की किस प्रकार से ये चल रहा है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से रूटावेटर चला है। आपको एक बार जो है गहराई भी बता देते हैं कितनी गहराई तक रूटावेटर लगा है, लगभग 5 से 6 इंच तक ये लगना चाहिए। अपना ये रूटावेटर लगभग 5 से 6 इंच जो है गहराई तक चला है और परफॉर्मेंस आपने देख ली। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं आगे किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।